आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर के इस फेसबुक स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के कपाली क्षेत्र को जोड़ने वाले सड़क पर, यानी कि मानगो के वारिस कॉलोनी ब्रिज के पास है। देखिए, दृश्य में आपको दिखता होगा कि लगातार दो दिन से जो बारिश हो रही है जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में, उस कारण ये पुल पूरी तरह से डूब चुका है, आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है, लोग इस सड़क को अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ये दिक्कत या ये परेशानी कोई नई नहीं है, मैं खुद इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बचपन से यही हाल इस सड़क का, इस पुल का देखता आया हूँ। बीच में नेतागण आते हैं, बात करते हैं कि इस ब्रिज को बनाया जाएगा, इसकी हाइट ऊपर की जाएगी, ताकि इस मौसम में, बरसात के मौसम में, जब भारी मात्रा में वर्षा हो या बारिश हो, तो इस तरह का दिक्कत लोगों को झेलना ना पड़े। ये देखिए, ये जो पैसेज है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, परिचालन बंद हो चुका है, लोग इस रोड से को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और देखिए, ये कहीं ना कहीं दुर्घटना को भी दावत देता है। किस तरह से कोई बैरिकेशन नहीं है, बच्चे हैं आसपास, देखिए आसपास बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, अगर यहाँ पे किसी नादानी में ये आगे बढ़ते हैं तो तेज बहाव के कारण उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। पिछले साल भी मुझे याद है इसी तरह का दृश्य था, मैं खुद यहाँ आया था तो एक बाइक बहकर इसमें आगे निकल गई थी। तो इस तरह का दृश्य, मानगो का दृश्य कब सुधरेगा, कब बदलेगा, ये बड़ा सवाल। मानगो नगर निगम, कपाली नगर परिषद, ये एक बॉर्डर इलाका है, किसके अधीन आता है? लोगों को इस परेशानी से, लोगों को इस दिक्कत से दूर करने के लिए मानगो नगर निगम को आगे आना चाहिए और इस पुल के हाइट को ऊपर करना चाहिए, ताकि आने वाले सालों में जब बरसात के मौसम में इसी तरह से बारिश हो तो लोगों का आवागमन ठप ना हो। देखिए, गाड़ियां आ रही है, आपको अगर आप स्क्रीन पे इस वक्त देखते होंगे तो देखिए, लोग वहीं पर रुक जा रहे हैं और वहीं से उन्हें वापस कपाली क्षेत्र जाना पड़ रहा है। ये जो आप दृश्य देख रहे होंगे, ये उस साइड है सरायकेला खरसावा जिले का, कपाली क्षेत्र, चांदनी चौक होते हुए लोग ब्रह्मानंद अस्पताल की तरफ जाते हैं, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सड़क वारिस कॉलोनी चेपा पुल होते हुए आप मानगो, ओल्ड पुरुलिया रोड, न्यू ओल्ड पुरुलिया रोड, सांची की तरफ जाएंगे। तो ये एक मुख्य मार्ग है जो कपाली और मानगो को जोड़ता है, वो पुल पूरी तरह से बाधित हो चुका है, आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। और इसका एक मुख्य कारण और है, जब आम दिनों में यहाँ से आवागमन होती है, यहाँ से जब हम पास होते हैं तो इस नाले का हाल जो देखने को मिलता है, पूरी तरह से गंदगी का अंबार लगे रहता है, कचड़ों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण पानी पैसेज उस वक्त भी सही से नहीं होता। और कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण एक वो भी है कि प्रॉपर जल निकासी नहीं हो पाती है, प्रॉपर ड्रेनेज जो सिस्टम है ड्रेन नहीं हो पाता है, जिस कारण से पानी ब्लॉक होती है। देखिए, पानी का बहाव देखिए काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो दो दिन से लगातार बारिश हो रही है उसका नतीजा है। तो आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों को इस परेशानी से कब निजात मिलेगी, कब यहाँ पे ब्रिज बनेगा, ये एक बड़ा सवाल निशान है। चाचा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर। हर साल बारिश में ऐसे ही हो जाता है, कब से है ये दिक्कत? होता रहता है, जब बाढ़ आता है दिक्कत होती है, जब बारिश होती है यही दिक्कत होता है। कभी बात बनाने की हुई है कि पुल को बनाया जाए, हाइट ऊपर किया जाए? आके गया देखा, सुनाई नहीं हुआ। देखिए, लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, नेतागण आते हैं, बात करते हैं कि इसे बनाया जाएगा। बीच में बात हुई थी कि इसे बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बारिश में ये दृश्य आम है यहाँ के लोगों के लिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हैं, अगर देखिए कैसे लापरवाही भी आप कह सकते हैं कि अगर पैर स्लिप करेगा तो एक बड़ी क्या होता है चाचा, गाड़ी थोड़ा बह जाता है, गाड़ी भी बह जाता है, इसे बहा भी है, गाड़ी समेत आ जाता है। देखिए, कब की बात बता रहे हैं आप? ये आगे बीच में की पानी वाला बीच में, जब पूरा हल्का पानी में पूरा गाड़ी बह गई। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त मैंने भी वो वीडियो चलाया था, मुझे अच्छे से याद है,
कि गाड़ी बह गया था उधर से। देखिए आप अगर स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो लाल कलर की कार आ रही, ठीक उस वक्त बाइक भी आ रहा था और वो गाड़ी बह गया। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का है तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए ताकि लोग जो बच्चे नादानी में, और आसपास की महिलाओं को, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए कि यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर उनके बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए बहाव बढ़ते जा रहा है और लेवल बढ़ते, देखिए किस तरह से लोग पार होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए महिलाएं भी खड़ी है, शायद उस तरफ जाना चाह रही है लेकिन दिक्कत है, जा नहीं पा रही है क्योंकि ये पूरा पूरी तरह से बाधित है। लोग बता रहे हैं कि गड्ढे है, अगर पैर थोड़ा सा भी स्लिप होगा तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है यहाँ पर। तो जितने लोग अभी लाइव से जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, ये नज़ारा मैं आपको मानगो के वारिस कॉलोनी, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कपाली क्षेत्र चांदनी चौक, ये रोड मानगो को कपाली से जोड़ता है, मुख्य सड़क है, मुख्य लिंक रोड आप इसे कहते हैं, कह सकते हैं, जो मानगो और कपाली को जोड़ता है। ये पूरी तरह से डूब चुका है बरसात की बारिश में, लगातार दो दिनों से बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी प्रकार आज दिन भर बारिश हुई है, रात तक बारिश होने के अनुमान है। तो ये यहाँ पे जिला प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, गार्ड्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, जिला प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर यातायात ठप हुई है तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी हो ताकि लोगों को रोका जा सके किसी तरह से। अगर कोई उधर से गाड़ी लेकर आता है और वो चाहेगा कि मैं पास हो जाऊँ तो उस वक्त भी एक दुर्घटना घट सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान मानगो नगर निगम के ऊपर कि आखिर इस पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा। देखिए लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, वापस होने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? देखिए काम ही नहीं हो रहा है। एक दो पुल बना है, जैसे कि आप वो करीम सिटी कॉलेज के आगे आगे जाएंगे तो वो मानगो नगर निगम के द्वारा बनाया गया है, रोड नंबर 15 के पुल के मरम्मत का कार्य है, उसे भी निर्माण किया गया है। उसी तरह ये वारिस कॉलोनी के पुल को भी जल्द से जल्द बनाना चाहिए ताकि इस तरह के मौसम में, बरसात का मौसम जब आए, जब भारी वर्षा हो, तो इस तरह का आवागमन ठप ना हो, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो एक तरफ नेतागण, एक तरफ सरकारें ये डिंगे हाँकती है कि हम मानगो का विकास कर रहे हैं, हम भारत का विकास कर रहे हैं, हम इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो उसी स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आईना दिखाना आज़ाद रिपोर्टर की प्राथमिकता है, समाज को ये दिखाना, नेतागण को ये दिखाना कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आप एसी रूम में बैठकर ये ज़रूर लिखेंगे अपने ट्विटर हैंडल से कि विकास हो रहा है, अगर विकास हो रहा है तो फिर ये नज़ारा क्या है। चलिए इसी तरह की खबर को देखने के लिए आज़ाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे, हमारी प्राथमिकता रहती है कि इस तरह की जन समस्या जहां लोगों को परेशानी हो रही है उस समस्याओं को उठाया जाए, उस समस्याओं को सरकार तक, अधिकारियों तक, मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त तक पहुंचाया जाए और उन्हें दिखाया जाए, उन्हें आईना उनके सामने पेश किया जाए कि जिस काम को करने के लिए सरकार
या अधिकारियां आपको इस क्षेत्र में भेजी है, आप उस काम को करने में विफल हो रहे हैं। तो ये आईना दिखाना आज़ाद रिपोर्टर का कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है कि ये जो ज़मीनी सच्चाई है, जो परेशानी है, जो दिक्कत लोगों को हो रही है, उसको हम सामने रखें, सरकार के सामने पेश करें और आईना उनको दिखाए कि आप अपने कर्तव्य में, आप अपने काम में विफल हो रहे हैं। इस काम में हमें मदद करें, सरकार तक, अधिकारियों तक इस दृश्य को पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिकारियों तक पहुंचे और उनको भी खबर पहुंचे कि जिस काम को करने के लिए आपको भेजा गया था, आप वो काम नहीं करके बल्कि अपने एसी के रूम में बैठे हैं, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए फोर व्हीलर्स भी आ रहे हैं, उनको वापस मोड़ कर जाना पड़ रहा है। तो इसी तरह से हम आपकी परेशानियों को उठाते रहेंगे, आज़ाद रिपोर्टर की टीम को सहयोग करें, हमारे मोबाइल जर्नलिज्म को मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज़ाद रिपोर्टर के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।